चलो साल की शुरुआत मेरी फ्लाइट से हो रही है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम हंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। सो आज है साल का पहला दिन 2022 का। सो आज साल की शुरुआत मेरे फ्लाइट से हो रही है। आज मेरी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है, अभी बज रहे हैं रात के 2:15 और मेरी 3:30 रिपोर्टिंग है, तो मुझे 2:30 के अराउंड मुझे फिर पास अभी 15 मिनट्स हैं। सो आई थॉट कि एक ब्लॉग बना लिया जाए। जो लोग कहते हैं ना कि गुरु की लाइफ बहुत मज़ेदार है, मज़े मैं पार्टी वार्टी कहीं नहीं, सिर्फ मज़े ही हैं कि फ़्लाइट पे जा रही हूँ। 10 मिनट है तो उधर थोड़ी चाय पी लेते हैं और एक व्लॉग बनाते हैं अच्छा सा। तो अभी मैं जा रही, 10 मिनट के बाद मैं निकल जाऊँगी और आज को आपको पूरा दिखाएंगे। मुझे 4 सेक्टर आज फ्लाइट ऑपरेट करनी है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ कि मुझे नींद ही नहीं आई एक्साइटमेंट के लिए। सो लेट्स सी, चलते हैं अभी फ्लाइट के लिए, निकलते हैं नहीं तो लेट हो जाएगा। मैंने सोचा व्लॉग रेडी होके ही बनाया जाए, क्योंकि अगर मैं पहले ही व्लॉग स्टार्ट कर देती तो उस चक्कर में मैं लेट हो जाती हूँ, तो इसलिए मैंने पहले रेडी हो गई उसके बाद मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। सो अभी मिलते हैं फ्लाइट के लिए, चल पहले निकलते हैं उसके बाद मिलते हैं आप तो डायरेक्टली फ्लाइट पे। सो हे गाइस, मैं आ चुकी हूँ घर पे, अपना पूरा 4 सेक्टर का फ्लाइट ऑपरेट कर। आई एम सो टायर्ड, मेरे को इतना मैं थकी हुई थी फ्लाइट से आने के बाद ना, कि मैं सो गई और मैं अभी जस्ट उठी हूँ। और मेरे पास इतना सा भी टाइम नहीं था फ्लाइट में कि मैं छोटा सा भी वीडियो शूट कर लूँ, कि मैं बाहर का ही एक आउटडोर वीडियो वहाँ पे शूट कर लूँ, एक लोकेशन दिखा दूँ आपको कि मैं कहाँ कहाँ गई हूँ। 4 सेक्टर ऑपरेट करने के बाद जब आते हो ना अर्ली मॉर्निंग करके, तो यू बिकम अ ज़ॉम्बी आफ्टर दैट। सो मैंने थोड़ा अपना स्लीप लिया अच्छा सा, तो उस टाइम पर जब मैं उठी तो टाइम नहीं था बाहर जाने का। सो हमने सोचा कि घर पे ही एक छोटा सा पार्टी कर लेते हैं फैमिली के साथ मिलके, मम्मी पापा मैं मेरा भाई। सो हमने एक बारबेक्यू नेशन से एक बॉक्स मंगाया है कंटेंट का, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। बॉक्स काफ़ी, आई थिंक मुझे 900 के अप्रॉक्स ये बॉक्स पड़ा है, बट देखते हैं अब इसके अंदर क्या क्या है। लेट्स सी ये पार्टी सक्सेसफुल हुई है कि नहीं हुई है हमारी। सो अभी मैं इसको अनबॉक्स करके आप लोगों को दिखाती हूँ। सो गाइस सी, दिस इज अ क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा है सब 4 लोगों के लिए। ये हमारे मैक एंड चीज स्ट्रिप्स है, ये फिश पकौड़ाज है, ये चिकन पकौड़ाज है, ये विंग्स है, एंड दिस इज अ प्रॉन्स, ये हमारा सारा स्टार्टर्स है, एंड दिस इज अनियन, एंड दिस इज हरे भरे कबाब, दिस इज दाल मखनी है, एंड एग करी चिकन, एंड दिस इज सालन फॉर दिस बिरयानी, एंड देयर इज अ चपाती ओवर देयर। सो हे गाइस, बस यही था मेरे न्यू ईयर के व्लॉग में। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट इफ़ यू लाइक इट। बस यही था मेरे न्यू ईयर वाले व्लॉग में। कहीं बाहर नहीं जा पाई मैं, कुछ पार्टी नहीं कर पाई, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था, आई नो दैट, क्योंकि मेरा शेड्यूल इतना बिजी था। बस मैंने था नहीं थी कि मैं एक न्यू ईयर पर एक व्लॉग करके दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत से लोगों की एक अजम्पशन रहती है कि अरे यार क्रू है तो लाइफ मज़े में है। नो डाउट लाइफ मज़े में है, बट आपको बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस भी करनी पड़ती हैं। एंड बस यही था, अगर आपकी कोई भी क्वारीज है रिगार्डिंग टू माई व्लॉग्स एंड अबाउट मी, आप मुझे चाहे तो कमेंट में करके बता सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे DM भी कर सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और यही था बस एक छोटा सा न्यू ईयर पे, हमने एक पार्टी नहीं कह सकते, पार्टी ही कह सकते, फैमिली के साथ मैंने एक छोटा सा एक मंगा लिया था हैम्पर टाइप बारबेक्यू नेशन से। बस हम लोगों ने बस वही खाया पिया, थोड़ी चिट चैट करी और फिर उसके बाद हम लोग सब सो गए थे। बस यही है व्लॉग में। अब मैं व्लॉग की एंडिंग करना रात को भूल गई थी, तो मैं नेक्स्ट डे, मैं आज आके फ्लाइट से, मैं सुबह मेरी आज भी फिर से अर्ली मॉर्निंग था, 2 जनवरी है, मैं आज फ्लाइट से आके मैंने सोचा थोड़ा शॉवर लेके, जब मैं व्लॉग एडिट करने बैठी तो लेटर रियलाइज अरे यार मैंने व्लॉग का एंडिंग नहीं शूट किया। सो मैं सोचा एक वेंडिंग कर लेते हैं प्यारी सी। आप सब अपने घर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपने खाने पीने का सब लोग ध्यान रखें। बस आज के व्लॉग में इतना था। अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड बाय। सो हे गाइस, बस यही था आज के व्लॉग में, मेरे न्यू ईयर वाले व्लॉग में बस इतना ही था। इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग प्लीज़ लाइक द